हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नीता आहिर। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजराती ऊंधी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 5 हरी मिर्च लेंगे और 100 ग्राम हरा धनिया लेंगे और थोड़ी सी लेंगे हम हरा लहसुन। सब्जियों में हम लेंगे पापड़ी और सुरती पापड़ी 100 ग्राम, आधा कप लेंगे हम हरी तूर और आधा कप लेंगे हम हरा मटर, एक कच्चा केला लेंगे, 2 छोटी साइज का बैंगन लेंगे और थोड़ी सी फूल गोभी लेंगे, 100 ग्राम कद्दू लेंगे और एक लेंगे शक्करिया। तो सबसे पहले हम लहसुन, हरा धनिया और मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे ड्राई नारियल। ड्राई नारियल के हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे और दरदरा पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए, ये हमारा पेस्ट तैयार हो चुका है। इसको हम साइड में रख देंगे और बनाएंगे ऊंधिया के लिए मुठिया। तो 2 कप बेसन लेंगे, इसमें हम 1 चम्मच डाल देंगे अजवाइन, स्वाद के अनुसार नमक, आधे चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच शक्कर, आधे चम्मच गरम मसाला और हरा धनिया और 100 ग्राम बारीक कटी हुई मेथी डाल देंगे। 2 चम्मच डाल देंगे हम उसमें तेल और 2 चम्मच जितना डालेंगे नींबू का रस और अच्छे से मिला देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका आटा गूंथ देंगे। एक साथ पानी ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। देखिए, ये हमने आटा गूंथ लिया है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। ये हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं उसको फ्राई करने के लिए। तो मैंने यह तेल पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है। गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम उसको फ्राई करेंगे। बॉल्स का कलर लाइट ब्राउन हो जाए तब तक हम उसको फ्राई करेंगे। उसको फ्राई करने में हमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। देखिए, इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम उसको निकाल देंगे एक प्लेट में और वही कढ़ाई में हम कद्दू को फ्राई कर लेंगे। कद्दू को फ्राई करके हम उसको साइड में रख देंगे और हमने जो सब्जी ली थी इसको मैंने ऐसे बड़े टुकड़े में काट लिया है और बैंगन को हमने ऐसे 4 कट लगाया है। सारी सब्जियों को हम ऐसे मिक्स कर देंगे और जो हमने ग्रीन मसाला बनाया था इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 चम्मच तेल, आधे चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे और 2 चम्मच डाल देंगे नींबू का रस, 1 चम्मच डाल देंगे शक्कर, अच्छे से मिला देंगे। ये मसाला हम बैंगन में भर देंगे। तीनों बैंगन में हम ये मसाला भर देंगे और बचा हुआ मसाला जो है वो हम सब्जी में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ 4 बड़े चम्मच तेल लिया है। तेल गर्म हो जाए तब हम उसमें 2 सूखी मिर्च, 1 स्टार और 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ी सी हींग डाल देंगे और बैंगन को रख देंगे। अब हम उसमें सारे मिक्स जो हमने सब्जी की है वो डाल देंगे। सारी सब्जी डालकर हम उसको ऐसे तेल में 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे और मसाले को हम ऐसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे और जो हमने ग्रीन मसाला तैयार किया है वो डाल देंगे और मिला देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। पानी डालकर हम ढक्कन को बंद कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सीटी आए तब तक पकाएंगे। देखिए, 2 सीटी हो चुके हैं और हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है। अब हम ढक्कन को खोल देंगे। ये हमारी सारी सब्जी जो है अच्छे से पक चुके हैं। अब हम उसमें फ्राई किया हुआ कद्दू डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे। इस सब्जी को हम एक बड़ी सी कढ़ाई में ले लेंगे और इसमें जो हमने फ्राई किया हुआ मुठिया है वो डाल देंगे और 1 कप हम उसमें पानी डालेंगे। पानी डालकर हम उसको 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे और 1 चम्मच डाल देंगे नींबू का रस, अच्छे से मिला देंगे। देखिए, हमने इसको 6 मिनट के लिए पका लिया है। ऊंधियो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम उसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। बहुत ही
टेस्टी और स्वादिष्ट उंधियू हमारा तैयार है। आप उसे गर्मा गर्म पूरी के साथ सर्व करें। आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब